हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर। और आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कि ये खुद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? आपको पता होगा कि दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से टोटल तीन ब्रांचेस निकलती है। दिस इज फर्स्ट वन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, सॉरी लेफ्ट सबक्लेवियन। सेकंड वन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड द थर्ड वन इज ब्रेकियोसिफेलिक, जो कि आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक, फर्स्ट वन इज आगे जाकर दो पार्ट में हुई डिवाइड। फर्स्ट वन इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी और दिस इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ओके। तो जो कि ये होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आगे चलकर टू पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, और ये जाके जाती है हेड एंड नेक रीजन को, ओके। तो दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस वन इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ओके। तो अब हमें बात करनी है कॉमन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज की, ओके। तो हम एक यहाँ पे एक लेटरल व्यू बना रहे हैं अपने हैंड नेक रीजन का, जिससे हमें इसकी ब्रांचेज को याद करने में आसानी होगी। दिस इज नोज एंड दिस इज नोज, ओके। तो दिस इज लिप्स, दिस इज आई एंड दिस इज ईयर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में, ओके। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सर्वाइकल रीजन से गई, इसके बाद ये हेड में इंटर हुई, ओके। इसके यहाँ पर गई है ईयर के जस्ट ऊपर तक, ओके। इसकी ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ओके। इसके बाद इसने यहाँ पे एक ब्रांच दी मैक्सिलरी, ओके। इसके बाद एक ब्रांच गई इसको फेशियल, एक ब्रांच गई लिंगुअल, एक ब्रांच गई इसको सुपीरियर थायरॉइड, ओके। इसके जस्ट इसके इस सारी है ये तीन है एंटीरियर, ये दो ब्रांचेज है इसकी जो है टर्मिनल। इसकी एक पोस्टीरियर ब्रांच होती है, उसका नाम है असेंडिंग सर्वाइकल। एंड जस्ट इसके एक ब्रांच जाती है ईयर के जस्ट पीछे, ओके। फर्स्ट वन इज पोस्टीरियर ओरिकुलर एंड द सेकेंड वन इज ओसिपिटल आर्टरी, ओके। तो इसकी टोटल एट ब्रांचेज हैं, इसकी एट ब्रांचेज हैं, ओके। तो हम इसके एट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड एट। इसकी ये टोटल आठ ब्रांचेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। आठ ब्रांचेज, इन आठ ब्रांचेज को टोटल हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। चार पार्ट कैसे कि एंटीरियर कौन सी है, पोस्टीरियर कौन सी है, मीडियल कौन सी है और लेटरल कौन सी है, या फिर इनकी टर्मिनल्स कौन सी है, ओके। तो इनको याद करने की, इन आठ ब्रांचेज को याद करने की एक ट्रिक होती है ए आई पी एम टी, और इस ए आई पी एम टी में आई का मीनिंग कुछ नहीं है, और इन चार जो कि आठ ब्रांचेज हैं इनको हम इन चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। ए मतलब एंटीरियर, आई मतलब कुछ नहीं, पी मतलब पोस्टीरियर, एम मीनिंग मीडियल एंड टी मीनिंग टर्मिनल, ओके। तो फर्स्ट बात करते हैं ए की, तो ए का मीनिंग है एंटीरियर की, जो कि ये वाली है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ओके। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के एंटीरियरली कौन कौन सी ब्रांचेज जाती है, ओके। तो इससे निकलती है फर्स्ट वन इज जो फर्स्ट आर्टरी है उसका नाम है सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, जो कि इसकी सेकंड ब्रांच है ये वाली, ये फर्स्ट है, सेकंड है। सेकंड है इसकी लिंगुअल आर्टरी, ओके। और इसकी थर्ड है फेशियल आर्टरी, ओके। यह एंटीरियर से, इसके बाद पी मतलब पोस्टीरियर, ओके। इसके जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये है पोस्टीरियर से, पोस्टीरियर से कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती है, इससे हटती है टू ब्रांचेज, ओके। फर्स्ट वन इज सॉरी ओसिपिटल, और सेकेंड वन इज पोस्टीरियर ओरिक्यूलर, ओके। ओसिपिटल और पोस्टीरियर ओरिक्यूलर जो कि है अपने सिक्स्थ और सॉरी सिक्स है ये वाली, पोस्ट सिक्स नंबर की है पोस्टीरियर ओरिकुलर, और जो अपने यहाँ पे जो नेमिंग की है सेवन नंबर पे वो है ओसिपिटल, ओके। इसके यहाँ पे नेमिंग हटा देते हैं।
सुपीरियर थायराइड है वो है अपन ने जो यहाँ पे नेमिंग की है ये वाली सुपीरियर थायराइड। आपको पता होगा कि थायराइड ग्लैंड को दो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, फर्स्ट वन इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड सेकेंड वन इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कॉमन सॉरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जबकि जो इंफीरियर थायराइड होती है वह होती है सॉरी जो कि इन्फीरियर थायराइड होती है वो होती है किसी अदर अदर वे अदर आर्टरी की ब्रांच। ओके तो सुपीरियर थायराइड होगी ये वन नंबर की, सेकेंड नंबर की हो गई लिंगुअल आर्टरी, नंबर तीन नंबर की हो गई फेशियल आर्टरी। ओके तो इसका एंटीरियर हो गया पोस्टीरियर हो गया। अब देखते हैं अपन इसका कि मीडियल इसके मीडियल साइड से कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। ये होती है असेंडिंग असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ओके असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी है नंबर 8 की आर्टरी। ओके ये नंबर 8 वाली आर्टरी है, ये 8 नंबर है। ओके वन ये हो गया असेंडिंग सर्वाइकल और इसके जस्ट टर्मिनल इसकी टर्मिनल ब्रांचेज कौन कौन सी है? ओके वो है मैक्सिलरी और सॉरी सुपर फिशियल टेम्पोरल। ओके मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल। मैक्सिलरी है नंबर 4 की और ये टेम्पोरल है नंबर 5। ओके तो दिस इज द ऑल ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। ओके तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये होती है आर्च ऑफ अवोर्टा की ब्रांच। ओके आर्च ऑफ अवोर्टा की न बोल के अपन इसको अच्छा बोलना चाहें तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। कौन सी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टोटल 8 ब्रांच होती है जिन्हें याद करने की ट्रिक है AIPMT। ए मतलब एंटीरियर, आई मतलब कुछ नहीं, पी मतलब पोस्टीरियर, एम मतलब मीडियल एंड टी मतलब टर्मिनल। ओके हमें इन सारी ब्रांचेज को याद करने के लिए इस डायग्राम को बनाना ड्रॉ करना पड़ेगा, इससे हम सारी ब्रांचेज एकदम वेल एक्यूरेट याद कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सुपीरियर थायरॉयड। क्यों सुपीरियर थायरॉयड है? ओके फर्स्ट इज एंटीरियर की फर्स्ट कौन सी? सुपीरियर थायरॉयड ये वाली जो कि जाती है थायरॉयड ग्लैंड को, ये सेकंड नंबर की लिंगुअल है। अब ऑब्वियसली है एंटीरियर, ये तो जो टंग है वो आगे की साइड होती है तो लिंगुअल जाएगी, फेशियल है फेस आगे की साइड होता है तो एंटीरियर डिवीजन से निकलेगी। ओके अपन जानते हैं थायरॉयड लिंगुअल और फेशियल ये तीनों होते हैं अपने नॉर्मली एंटीरियर साइड, तो ये किसकी ब्रांच होगी? एंटीरियर डिवीजन की। ओके मतलब जो भी इसका एंटीरियर पार्ट होगा उसकी ब्रांचेज होगी। ओके पोस्टीरियर आपको पता है कि ओसिपिटल बोन पीछे की साइड होती है तो ऑब्वियसली ये पोस्टीरियर ब्रांच होगी, पोस्टीरियर ओरिकुलर ओरिकल के जस्ट पीछे। ओके तो ऑब्वियसली है कि नॉर्मली है कि कॉमन सेंस लगा के कि ये किसकी ब्रांच होगी? पोस्टीरियर साइड से निकलेगी, सॉरी ये कि ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के पोस्टीरियर साइड से निकलेगी। मीडियल असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी जो कि 8 नंबर की है, 8 नंबर की है ये है इसके मीडियल ब्रांच और इसकी टर्मिनल ब्रांच है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी टर्मिनेट किस में होती है? तो वो है दो आर्टरीज मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। मैक्सिलरी नंबर 4 तो दिस इज मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल दिस इज 5 एंड तो ये क्या है सुपरफिशियल टेम्पोरल है नंबर 5 की तो ये वाली आर्टरी कौन सी हुई? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ओके यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 5 6 जो ये नेमिंग है 1 2 3 7 6 8 4 5 ये यहाँ पे जो नेमिंग है जो अपन ने राउंड कर रखे हैं सर्कल कर रखा है 1 पे सर्कल 2 पे सर्कल तो ये वाली नेमिंग ये वाली है। ओके दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। थैंक यू।